हेलो स्वागत है वीडियो में। और यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स एप्सन की तरफ से, तो उसके अंदर है एप्सन का एक ऑल इन वन प्रिंटर एप्सन M200। तो आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, देखिए क्या खास फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कैसी क्वालिटी है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या प्रिंटिंग कॉस्ट है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। तो देख रहे हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों ये आ गया है प्रिंटर, सारे रैप्स वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। तो बॉक्स कंटेंट्स आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दो इंक की बॉटल्स मिल जाती हैं, एक बड़ी है और एक छोटी बोनस बॉटल है जो साथ में फ्री आती है। और ये सिर्फ ब्लैक बॉटल्स हैं, कलर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलता है। मुझे ब्लैक प्रिंट्स ज़्यादा निकालने होते हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रिंटर परचेस करा है। अगर और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यूज़र मैनुअल्स मिल जाती हैं, और उसके अलावा एक डिस्क मिल जाती है जिसमें है सॉफ्टवेयर ड्राइवर इस प्रिंटर के, जिसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, फिर आप इस प्रिंटर को यूज़ कर पाएंगे। और यहां पर आपको एक पावर केबल देखने को मिल जाती है, और इधर एक यूएसबी केबल कनेक्टिविटी के लिए देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा भी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इसके अंदर ये मिल जाता है कि आप इसे इथरनेट पोर्ट यानी लैन पोर्ट के थ्रू भी इसे चला सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये प्रिंटर मैंने परचेज क्यों किया है, क्या वजह है, क्या खास फीचर्स हैं इस प्रिंटर के। तो ये जो प्रिंटर है ये amazon.in से मैंने परचेज करा है। एक तो सबसे अच्छा बात है कि मुझे वहाँ पर एक कैशबैक मिल रहा था 1500 रुपीज़ का, इसके जो प्राइस है वो है 12,000 रुपीज़, 1500 का कैशबैक मिला, तो काफ़ी बढ़िया डील मुझे मिल रही थी। अब जो इसके फीचर्स हैं, सबसे अच्छी बात जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है लेज़र प्रिंटर के कंपेरिजन में, क्योंकि लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, जो कार्टेज होती है कुछ टाइम बाद आपको जो प्रिंट्स हैं वो हल्के देने शुरू कर देती है, लेकिन लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी हमेशा एक सी रहती है। लेकिन लेज़र प्रिंटर की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इस केस में कॉस्टिंग सही है। यहाँ पर 12 पैसे की कॉस्टिंग आपको मिल रही है पर प्रिंट। और सेकंड चीज़ ये होती है कि नॉर्मल लेज़र प्रिंटर्स में आपको सारे कलर्स फिल करने होते हैं, अगर एक भी कलर ख़त्म हो जाता है तो प्रिंटर वर्क नहीं करता। अब जैसे कि मुझे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ज़्यादा निकालने होते हैं, तो मैंने इसीलिए ब्लैक एंड वाइट ये परचेज़ करा है। इसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ 15 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। एक और अच्छी बात है, ऑल इन वन प्रिंटर है, आप स्कैन वगैरह कर सकते हैं, फोटो कॉपी वगैरह कर सकते हैं। और एक और जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, जैसे कि मैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑफिस में मुझे स्कैन करने पड़ते हैं, और एक एक को रखना स्कैन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ऑटोमेटिक फीडर है, आपने पेपर जस्ट यहाँ पर लगाया और ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा और आपके जो पेपर्स हैं वो स्कैन हो जाएंगे काफ़ी अच्छी स्पीड पे। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ध्यान में रखते हुए इस प्रिंटर को परचेज करा है। मैंने अगर इस प्रिंटर को सेट करने की बात करें तो कोई खास चीज़ नहीं है, आप नॉर्मली जैसे इंकजेट प्रिंटर सेट करते हैं इसको भी वैसे ही सेट करना है। इंकजेट प्रिंटर के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो आप लोगों पसंद भी आई थी, आप ऊपर आई वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, उसे मैंने पूरी इंस्टॉलेशन दिखाई है आपको। जस्ट जो इसका इंक टैंक है उसमें ये जो ब्लैक बॉटल्स हैं वो फिल करनी है, और इंक टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसे ओपन करें तो इंक टैंक आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है इंक टैंक। इजीली इन बॉटल्स को आपको फिल करना है, और इंस्टॉल करने के लिए तो यहाँ पर जो आपको यूज़र गाइड दी हुई है, जो डिस्क दी है, इसमें ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर आपको दोनों हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इन्हें इंस्टॉल कर लीजिए और फिर इसे आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज ये रहा है प्रिंटर, सेट कर लिया मैंने, ड्राइवर्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लिए हैं। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया इसमें ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर है, अगर आपको कोई चीज़ की फोटोकॉपी निकालनी है तो आपको यहाँ पर नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर रख सकते हैं, और उसके बाद आपको सिर्फ कॉपी का बटन दबाना है और यहाँ पर करना है स्टार्ट, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जो पेपर है ये अंदर जाता रहेगा। आप देखिए यहाँ से ये पेपर जा रहा है और इधर से प्रिंट जो है वो आ जाएगा। सो गाइज आप देख सकते हैं फ़ोटो कॉपी की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया आ रही है यहाँ पर, और ये था हमारा एक्चुअल प्रिंट आउट जिसकी हमने कॉपी निकाली थी, तो दोनों ही क्वालिटीज़ जो हैं काफ़ी बढ़िया आ रही हैं। बस उम्मीद करता हूँ ये प्रिंटर आपको पसंद आया होगा, प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो जल्दी से लाइक का बटन है वो ज़ोर से दबा दीजिए। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस प्रिंटर से रिलेटेड, और भी किसी प्रिंटर या किसी गैजेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ लेकर आता हूँ ऐसी वीडियोज़, ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद आए, आपके काम भी हैं। दोस्तों मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़, बाय।